शेर को राजा क्यों कहा जाता है? डॉट जंगल का राजा शेर इसलिए है क्योंकि शेर आदिकाल से ही पाए जाते हैं तथा शेर को बलवान, पराक्रमी, ओजस्वी, शक्तिशाली है और उसकी एक गर्जना सारे प्राणियों को हिलाकर रख देती है और इसमें राजा के सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए शेर जंगल का राजा है। और संस्कृति के एक श्लोक में कहा गया है कि शेर जंगल का अघोषित राजा है। शेर की खासियत क्या है? डॉट नर शेर समूह की सीमा की रक्षा करते हैं जबकि शिकार करने का ज्यादातर काम मादा शेर करती हैं। शेर 81 प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट की छलांग लगा सकता है। एशियाई शेरों की सबसे बड़ी संख्या सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाई जाती है। शेर की उम्र कितनी है? डॉट शेर की उम्र 25 वर्ष होती है लेकिन 12 साल की उम्र में ही वह दुर्बल हो जाता है। इसी अवस्था को शेर का बूढ़ा होना कहते हैं। क्या बूढ़ा होने पर शेर आत्महत्या कर लेता है? पढ़िए बुढ़ापे में कैसा होता है जंगल के राजा का जीवन। नर शेर कभी भी भोजन के लिए शिकार नहीं करता है। 90% शिकार शेरनी करती है। शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो दूसरे शेर उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बूढ़ा होने पर क्या करता है शेर? एक आम गलत फहमी है कि शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो वह शिकार नहीं कर पाता है, ऐसे में वो आत्महत्या कर लेता है। यह बात सही नहीं है। शेर की उम्र 25 वर्ष होती है लेकिन 12 साल की उम्र में ही वह दुर्बल हो जाता है। इसी अवस्था को शेर का बूढ़ा होना कहते हैं। अपनी युवावस्था में शेर जिसका चाहे उसका शिकार करता है क्योंकि इस दौरान उसमें काफी एनर्जी और फुर्ती होती है। बूढ़ा होने पर उसकी शक्ति और फुर्ती कम हो जाती है, इसीलिए बुढ़ापे में वह उसी हिसाब से छोटे कमजोर और उन जानवरों का शिकार करता है जो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते हैं। समय के साथ वह और कमजोर होता चला जाता है। शेरों से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। पृथ्वी पर लगभग 2000 वर्ष पहले 10 लाख से भी ज्यादा शेर पाए जाते थे। सन 1940 के दशक में शेरों की संख्या 4.5 लाख थी जो आजकल घटकर केवल 32,000 रह चुकी है। शेर बिल्ली प्रजाति में बाघों के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। शेर की 5 विशेषताएं क्या हैं? सिंह को सदैव शक्ति, वीरता, साहस, ताकत, निर्भयता और क्रूरता का प्रतीक माना गया है। ये गुण एक नेता के रूप में उनकी सफलता के निर्माण खंड के रूप में योगदान करते हैं। आमतौर शेरों का नाम सुनते ही हमारे सामने एक विशालकाय आकार का एक खूंखार जानवर दिखाई देने लगता है और हो भी क्यों ना? आखिर शेर जंगल का राजा कहा जाता है। डंडा शेर को जंगल में घूमते हुए भी देखना उतना डरावना होता है जितना उसके पास जाना। डंडा शेर अगर एक दहाड़ मार देता है तो दूसरे जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। डंडा शेर नाम ही अपने आप में एक महानता और हिम्मत का प्रतीक है। डंडा इसे साहस, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ऐसा कोई जानवर नहीं है जो शेर से डरता न हो। डंडा 1 शेर के उपस्थिति वाले स्थान से 8 किलोमीटर दूर तक आप शेर की दहाड़ सुन सकते हैं। डंडा 2 अगर आकार की बात करें तो बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियों में आकार के आधार पर बाघ के बाद शेर दूसरा सबसे बड़ा जानवर होता है। डंडा 3 शेर प्रायः हिरन और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं लेकिन जब ये झुंड में होते हैं तो जिराफ और हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार गिराते हैं। डंडा शेर कितना खाना खाता है? डॉट 4 शेर आकार में बड़े होते हैं इसलिए इन्हें ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। डंडा एक वयस्क शेर को प्रतिदिन कम से कम 7 किलोग्राम मांस और शेरनी को 4 से 5 किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती है। डंडा 5 शेर प्रजाति जैसे बाघ, तेंदुआ और चीता के बच्चों को अंग्रेजी भाषा में कब कब कहा जाता है। डंडा शेर की औसत उम्र कितनी होती है? डॉट 6 जंगल में और पालतू शेर की उम्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। डंडा यदि शेर जंगल में रहता है तो इसकी उम्र 14 से 18 वर्ष तक होती है परंतु देखरेख में रहने पर पालतू शेर की औसत उम्र 22 से 25 वर्ष तक होती है। डंडा शेर कितनी तेज दौड़ता है? डॉट 7 शेर के दौड़ने की अब तक अधिकतम गति 81 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। डंडा शेर कितनी देर तक सोता है? 8
भोजन में अधिक मात्रा में फैट लेने के कारण शेर बेहद आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। डंडा, ये दिन में लगभग 18 घंटे विश्राम करते हैं। डंडा, शेर का वजन कितना होता है? .9 अब तक का सबसे वजनदार शेर 319 किलोग्राम तक पाया गया है, जबकि औसत रूप से एक वयस्क शेर का वजन लगभग 180 से 230 किग्रा तक होता है और एक शेरनी का वजन 140 से 160 किग्रा होता है। डंडा, सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं? .10 दुनिया में सबसे ज्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश ऐसा है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। शेर एक सामाजिक जानवर होता है। डंडा, ये एक बड़े भूभाग को अपने अधिपत्य में रखते हैं और वहां पर मूत्र त्याग करके दूसरे शेरों को बताते हैं अनुस्वार की कृपया इसके अंदर प्रवेश न करे। डंडा 12 शेरों के एक परिवार होता है जिसमें एक से अधिक शेरनियां, बच्चे और सगे भाई रह सकते हैं। डंडा 13 शेरों के झुंड को प्राइड कहा जाता है। डंडा लायन फैक्ट्स इन हिंदी 14 शेरों के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं और शेर अपने बच्चों और इलाके की रक्षा करता है। डंडा 15 अफ्रीका में शेरों के इनकी खाल और नाखूनों के लिए बहुत ज्यादा शिकार किया गया, लेकिन अब इनके संरक्षण पर तेजी से काम किया गया है और फिर इनकी संख्या धीरे धीरे सामान्य हो रही है। डंडा 16 शेर पहले यूरोप में भी पाए जाते थे पर शिकार होने से इनका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया। डंडा 17 आमतौर पर शेर ही बड़े जानवर जैसे विल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा, जंगली भैंस जैसे जानवरों का शिकार करते हैं और शेरनियां छोटे जानवर जैसे कि हिरन, बारहसिंगा आदि। डंडा 18 शेर के पैरों की बनावट ऐसी होती है कि जब ये चलते हैं तो इनकी एड़ियां जमीन को नहीं छूती। डंडा 19 शेरों के लिए मोबाइल फोन का काम इनकी दहाड़ होती है, यानी ये दूर दूर होने पर दहाड़ से कम्युनिकेशन करते हैं। डंडा 20 शेर एक तरह से ओवररेटेड जानवर है क्योंकि बाघ दुनिया का सबसे बड़ा बिग कैट फैमिली मेंबर है। आकार और वजन दोनों में ही ये शेर से बड़े होते हैं और अगर इनमें भिड़ंत हो जाए तो यह संभावना ज्यादा होती है कि बाघ ही जीतेगा। डंडा 21 शेर शिकार को शावकों के साथ ही स्वेच्छा से बांटते हैं जबकि शेरनियां लड़ झगड़ कर पाती हैं। डंडा 22 कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि ज्यादा घने बाल वाले शेर ज्यादा हैंडसम माने जाते हैं और शेरनियां उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। डंडा 23 में इथियोपिया में ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया भर में सनसनी बिखेर दी। डंडा 12 वर्षीय एक बच्ची का अपहरण हुआ और कुछ लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे प्रताड़ित करने लगे। उन पर कुछ शेरों ने हमला कर दिया और डर कर वे लोग भाग खड़े हुए। डंडा वे शेर उस लड़की के पास से तब तक नहीं हटे जब तक वहां पुलिस और दूसरे लोग नहीं पहुंच गए। डंडा पर उन शेरों ने लड़की को खरोंच तक नहीं लगाई। धन्यवाद मित्रों।